जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, PNP की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने DLED 2022 के लिए एडमिशन ओपन कर दिए हैं। 15 जून 2022 से लेकर के आप अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल कर पाएंगे, यानी अपना आवेदन कर पाएंगे काउंसलिंग के लिए। इस संबंध में जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ऑफिशियल विज्ञप्ति है और आज ही जारी की गई है। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है DLED प्रशिक्षण 2022 हेतु आवेदन, कब से आप आवेदन कर पाएंगे। तो सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पर 15 जून से आप अपने फॉर्म जो है भरने स्टार्ट कर सकते हैं और 6 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई है और जो प्रिंट आउट है उसको जमा करने के लिए अंतिम तिथि 9 जुलाई है। ये तो था ऑफिशियल नोटिस, लेकिन जो PNP सचिव है वो लगातार जो है बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ना ही तो टाइम से UPTET CTET हो रहा है। होता भी है तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, दोबारा से एग्ज़ाम होता है। DLED 2019 बैच की मार्कशीट का कुछ अता पता है ही नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर हो चुके हैं, उनकी अभी तक मार्कशीट एक भी सेमेस्टर की नहीं आई है और एग्ज़ाम में इतनी देरी होती है। वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्योंकि अब तो सरकार भी बन चुकी है। पहले बच्चों ने इको गार्डन में धरना दिया तो तब बताया गया था कि 97,000 नहीं, कुछ कम पदों पर भर्ती आएगी, 20 या 22 हज़ार के आसपास थी, तो वो भी नहीं आई। सरकार बने भी बहुत दिन हो चुके। खैर, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ऑफिशियल लेटर आ चुका है, आप DLED अगर करने के इच्छुक है तो 15 जून से आप आवेदन कर पाएंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, क्या सिलेबस आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जल्द ही आपको उसका रिप्लाई या वीडियो मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।